इश्कावे मगर चुप करके मेरे पीछे आ। अगर पकड़े गए तो जब किन्नू दौड़े थे तब पकड़े गए थे क्या? चल 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 आसिया। अजय अनु देख 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 नहीं है। आसिया आसिया बाहर निकला पोत्र, हर वेले सुती रांदी। व्याह वाला घरे कुछ काम काज कर घेना आके तू भी हाथ हिला। हट हरा में बहू। अम्मा आसिया घर में नहीं है। अच्छा किथा गई है? वो चीनो आई थी उसे बुलाने। चीनो दाते सिर्फ बहाना है पोत्र, ए आप उनको सड़ें दिए। कड़न वड़ी थी सी है, मैं कुछ समझ नहीं आती। आज आ मंजे मेरी चंगी तरह खबर गिन दिया है। कमरे च बंद कर छोड़े सास। किसको कमरे में बंद करने की बात हो रही है? कितनों आई है? मैं तो चीनों के साथ ही। ओ ते मैं को पता है करके क्या आई है। मैं आज से नहीं ढाकू क्या करके आई है मेरे नाल। हाँ आई। सलाम खाला बरकते। वालेकुम सलाम। सलाम ता ही मैं करेंदी पई है जिवें ढा ढाड़े बाद मिलियो में। क्या गाल है खाला बरकते, बड़े गुस्से विच लग रही है। बात कुछ गलत कर रही है। अम्मा मैं कुछ गलत नहीं किया, मैं तो बस पिंजरे से चिड़िया आजाद कराई है। है चिड़िया उड़ाई? पूरे 1200 रुपये की चिड़िया हन। मैं ता रहीम बख्श ने बहु मुश्किल ना नपिया हन। हाँ तो मुफ्त ही थी ना, कौन से पैसे दिए थे। और वैसे भी मासूम परिंदों को कैद करने की ना पैसे नहीं सजा मिलनी चाहिए। अदी दे दिया ना पई कि मैं जबान चलेंदी पई है मेरे अगों वड्डे निक्के दी तमीज ही कहनी। हाँ तो क्या गलत कहा है मैंने? गाल सुना सिया, क्यों उड़ान तू बरकत दिया चिड़िया? अम्मा खाला बरकत की नहीं अल्लाह साई की थी, उड़ा दी। अल्लाह साई की चिड़िया थी उड़ा दी? हमारी मेहनत नहीं थी उसमें शामिल? देख दी नसरीन मैं टिकू दसाई पईया, मैं 1200 रुपया घिने बगैर तू कोई ना वैसा। हाँ ए बेटी आ। खाला फिकर ना कर, पैसे ते को मैं देती हूँ, घिन लस्सी पी। बैठा करते ही औरंगजेब मिला था अभी रास्ते में, उसकी नजर हमारे जमीन के टोटे पर है। सबको अपनी अपनी कब्र में जाना है, मगर इन्हें दूसरों के हिस्से की भी जमीन चाहिए। इश्कावे
भी क्यों नहीं? मुझे नहीं खाना। क्यों? बस ना, नहीं खाना। अच्छा छोड़ भी, मैं अम्मा से कह दूंगी, आइंदा कुछ नहीं आखेगी वो तुझे। पर तू भी तो ऐसे काम ना किया करना, अब तू बड़ी हो गई है। नहीं ना भरजाई, मुझे ये बता मैंने गलत किया क्या है। अच्छा छोड़ भी, तू पराठा खाना। रज्जू के ब्याह के लिए जो खालिस घी आया ना, उसी से बनाकर लाई हूँ। नहीं खाऊंगी पराठा। नहीं, इक्को पराठा बनाया मैंने सिर्फ आसिया के लिए। आप तो मुझे प्यार ही नहीं करती, मैं तो आपकी बेटी ही नहीं हूं ना। देखा भरजाई, ये भी सड़ती है मुझसे। ना मुन्नी, इवे नहीं आगते, फूफी तो सहेलियों जैसी होती है ना। अच्छा अम्मा एक बात तो बताओ, अगर मैं और फूफी दरिया में गिर गए तो आप पहले किसको बचाओगी? बता ना भरजाई, अगर ऐसा होता है तो हम दोनों में से तू किसे बचाएगी? बोल। मैं खुद डूब जाऊंगी, पर तुम दोनों को बचा लूंगी। पुत्र लस्सी तो पी लो। मैंने नहीं पीनी। अच्छा क्यों माँ को तंग करता है सुबह सुबह, ले पी ले। नहीं मैंने नहीं पीनी। बिलाल ये ले, तू तो पी, तेरे लिए लेके आई। ये क्या है तेरे हाथ में? कुछ नहीं। तो छुपा क्यों रहा है? कुछ तो है, ला दिखा। नहीं। दिखा ना। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम मेरा पुत्र आ गया। बिस्मिल्लाह करां, बिस्मिल्लाह करां। फसल दा सौदा ठीक है पुत्र? वो तो सवेरे ही हो गया था अम्मा, कुछ पैसे भी मिल गए थे। तिवाती इतनी देर क्यों करनी थी? आसिया ने कुछ सामान मंगाया था, वो लेने में मुल्तान चला गया था। ओ मेरा पुत्र, ना की त्या कर इन्हें दिया फरमाइशा पूरिया, इन्हें दिया आता खराब थी वेसन। क्यों, अब क्या कर दिया उसने? अब कुछ नहीं किया अम्मा, छठ भी आ जा। आसिया आ जा ना, शाबाश। ओ आ जा पुत्र, आ जा। सलाम अदा। वालेकुम अस्सलाम। ये ले तेरा सामान आ गया है, देख लेना कोई चीज रह ना गई। अंदर जाकर देखती हूँ। अम्मा देख तो सही कितने सोने। भाजवान घनवान झल्ली। और हाँ फरीदा, ये तेरा सामान है, संभाल ले। मैं लस्सी लेकर आती हूँ आपके लिए, आ जा मुन्नी। नहीं मैं अब्बू के पास ही बैठूंगी। आ जा ना, देख तेरे लिए भी नए कपड़े आए हैं। मेरे नए कपड़े? और अम्मा ये तेरे लिए लेकर आया। मेरे की थे पुत्र। रज्जो की शादी पे पहनना। शुक्र है अल्लाह दा, रज्जो की शादी दा दिन भी आ गया। तेरी शादी ते तो जो कुछ थिया वो ना थी वे बेटा। जाने दो ना अम्मा, अब उस बात को 15 साल गुजर गए। हाँ पुत्र ठीक अदब है, लेकिन मेरे को तो इवें लग दे जिवें कल दी गाल। जाने दे। क्या बात है, कोई परेशानी है? नहीं तो। पंद्रह साल हो गए हमारी शादी को,
इतना तो जान ही गई हूं। आप कब खुश होते हैं, कब परेशान? परेशान नहीं हूं, बस फिक्रमंद हूं। क्यों? खैर इसल्ला क्या हुआ? औरंगजेब मिला था अभी रास्ते में। क्या कह रहा था? वही पुरानी बातें के फसल बाहर मत बेचना। फिर आपने क्या कहा? मैंने कह दिया उसे कि मैंने तो फसल बेच दी है। फिर उसने क्या कहा आपसे? उसकी नजर हमारे जमीन के टोटे पर है। सबको अपनी अपनी कब्र में जाना है, मगर इन्हें दूसरों के हिस्से की भी जमीन चाहिए। मसला जमीन का ही है ना, कोई और बात तो नहीं? फरीदा, मैंने उसे अपने दिल से निकाल दिया है। अब मेरी जिंदगी सिर्फ तुम और मुन्नी ही हो। जानती, फिर भी सोच तो आ ही जाती है। औरत हूं ना, दिल से ये बात जाती ही नहीं कि आपके दिल में कभी कोई और बसता था। शायद औरंगजेब भी यही बात दिल में रख के बैठा है। लगता है अबू ने रेडियो लगाया हुआ है। नहीं नहीं निकिसाई, मुल्तान से नैना आई है गाने वाली। तुझसे पूछा किसी ने? फजूल बातें ना किया कर बच्चों के सामने। शीदो, हाय मैं मर गई बीबी। शीदो जी, बीबी जी, जी हुक्का बीबी जी। ये तूने ताजा किया हुक्का? जी बीबी जी। फिर से ताजा कर। अब अगर पुरानी सुआ का स्वाद आया ना, तेरी हड्डियां पका के फिर से ताजा करूंगी मैं। जी अच्छा। आपने बुलाया बीबी जी? हाँ तो किन बैठ। अब बता सकीना, क्या रौला है? बच्चों पे क्यों सख्ती कर रही है? बीबी
रंग साई ने गाने वालियों को बुलाया हवेली में, क्या असर पड़ेगा बच्चों पे? मर्द जात है, चंगा ही असर पड़ेगा। तू अपनी बात कर, तेरा कलेजा क्यों सड़ रहा है? मेरा कलेजा क्यों सड़ेगा भला? मैं तो छोटे खानदान से आई, मेरी क्या मजाल? बकवास ना कर, मैं अच्छी तरह से जानती हूं तेरा कलेजा सड़ रहा है। औरंगजेब के पास सुमानी बैठी है, गाना गा रही है, तेरे दिल को बुरा तो लगेगा ना? पर बीबी, पहले तो बस डेरे तक बुलाते थे, अब तो हवेली में भी ले आए। इलेक्शन आ रहे हैं, डेरे पे बुलाता तो बात निकल जाती, इसलिए हवेली में लाया है। तो फिक्र ना कर, तेरा हक नहीं मारेगा। खुश रहा कर, उसे भी खुश रखा कर। बेचारी सकीना, जो भी हो जुलेखा बाजी, रंग साई को सवानी हवेली नहीं लानी चाहिए थी। कसूर रंग साई का नहीं, सकीना का है। वो भला किंज? सकीना मुंह मत लगती तो रंग साई की क्या मजाल थी कि शहर से सुवानी को ले गई। हर वेले तो बेचारी लगी रहती है बाल बच्चों के कामों में। मर्द को औरत काम काज करती नहीं, सजी संवरी अच्छी लगती है, जो नखरा करे उसका जी लगाए। दाल फुलके का क्या है, तो नौकरानियां भी बना लेती है। कहते तो तुसा ठीक हो, पर खबरदार जो तूने सकीना का नाम उसके साथ लिया तो। नहीं नहीं बाजी, मैं तो आए आख रही सी कि सकीना बीबी जिन्ना मर्जी सच सवर ले, पर मेरे बाजी वर्गे नहीं हो सकते। चलो रहन दे, छह बज गए, जुल जल्दी कर गड्डी कढ़ा, फरीदा इंतजार कर रही होगी। इंतजार फरीदा को आपका है या आपको चौधरी मुबशर का? चल छेती चो, कागज हैं उस जमीन के टोटे के जो तू हमारे नाम करेगा। नहीं रंगे, जमीन तो नहीं बेचू, अगर देगा नहीं तो छीन लूंगा मैं। इश्क़ावे गाना सुनना हो तो शहर जाके सुन लेना, वानी को हवेली लाने की जरूरत नहीं है। ये बात किसने बोली थी? सकीना कलेजा साड़ रही थी। बात करता हूं शोधी से। चल छाड़, मदानी ना मार, बात को खत्म कर। क्या बात हुई है मुबशर से? तू ये किसने बोला है मैं उससे मिला? ना तू इतना स्याना हुआ कि माँ से कोई बात छुपा सके, ना राजनपुर इतना फैला है कि जन्नत बीबी से कोई खबर छुपी रहे। बात कर उससे, ना माने तो बताना। देखती हूँ
कैसे नहीं देता जमीन। तेरे दांत क्यों निकल रहे हैं? बात ही हंसने वाली है पुप्पी। अम्मा से कोई काम नहीं होता था तो भी राव से कहती थी, इधर तो मामला ही उलट। वैसे अगर तुझसे बात ना बने ना तो बताना मुझे, निक्के शफकत से कह दूंगी। मुझे नहीं आई उसकी, पर ऐसे काम बड़े शौक से करता है, अम्मा से नहीं कहता। पुप्पी मैं झूला। हाँ झूल, नसरीन को आख देना व्याह से फारिग होके आके मिले मुझे। आग दे सा पुप्पी। शुद्धि की बकवास सुनी थी तुमने? झट सकीना दूध जलेबी लेकर आ रंगे के लिए। दिल की पूरी नहीं है जुलेखा, बस आदत है मखौल करने की। तू चले भी रंग साई। हथरा ना हो गए थे। वंश कुछ भी हो जाए जमीन ना देना रंगे को, बड़ा अथरा बना फिरता। तबीयत क्यों नहीं साफ कर देता उसकी? तू क्या आखे, तूने तो तब कुछ नहीं आखा जब वो तेरी मांग को भी आख ले गया। आके तब भेराओं से बात करूं। वो दी क्या मजान जो तेरा रास्ता रोक सके। कोई जरूरत नहीं है, मैं को अच्छी तरह पता है क्या करना है ते कीवें करना है। हाय ते को पता होता तो बिया क्या चाहता है। जुलेखा कब आई? सब भी अभी। अच्छा ला ना अंदर, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। आ जा। Thank you.
आसिया माफी मांग पोत्र। अम्मा जान के नहीं मारा, गलती से हाथ लग गया। गलती तो हुई है ना आसिया, शाबाश मांग ले माफी। भरजाई जान के नहीं मारा, गलती से हाथ लग गया है। आसिया रामंडे खाला ये ठीक आदी पई है, ये जान के नहीं मारा। वल भी निक्की है, माफी मंगनी चाहिदी है, मांग माफी। उसकी जगह पे मैं माफी मांग लेती हूँ। आखा ना, कोई बात नहीं, चल रजिया को मैं दे। क्या बोल रही थी बीबी को? हाँ तो मैं सवानी को लेकर आता हूँ। ये हवेली तेरे बाप की जागीर नहीं है और ना ही तेरे उस यार ने तोहफे में दी है। बोल रखती नहीं। भूल क्यों नहीं जाते आप इस बात को? 15 साल हो गए, अब तो बच्चे भी बड़े हो गए। हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, निकाल दे दिल से अब तो ये बात। दिल से निकाल? तूने निकाला है उसे दिल से? निकाला है? अगर निकाला होता तो ऐसी शक्ल ना बनाई होती। तो क्या करूं? किसके लिए सजूं सवरूं? आप तो मुझे मुंह भी नहीं लगाते। अच्छा मुंह नहीं लगाता? मुंह नहीं लगाता तुझे? लगाऊं आज मुंह? लगाऊं? आसिया मुझे पता है तू जाग रही है, विवाह वाला घर है और तू इस तरह नाराज होके बैठ गई है। जुलेखा चली गई है? हाँ चली गई है। नाराज होकर? नहीं, तेरी तरफ से मैंने माफी मांग ली थी। क्यों मांगी माफी? उसका कसूर था, देखकर चलना चाहिए था। मेरी तो बहन का ब्याह, मैं तो डांस कर रही थी। कसूर जिसका भी था वो बड़ी है, हमारे घर में मेहमान थी, इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए था कि नहीं बता। अच्छा चल ना, वो रज्जू को डिजाइन वाली मेहंदी नहीं लगानी? वो कह रही आसी आएगी तो लगवाऊंगी। अच्छा आती हूं। नहीं ऐसे नहीं, मेरे साथ ही चल। चल उठ, उठना। जाती ओ खाना खा के जाना, लेके भी जाना। सलाम सादिक चाचा। वालेकुम सलाम बेटा। खैरियत तो है चाचा इस वेले? हवेली से तेरे लिए एक पैगाम लाया हूं। रंग साई ने बुलाया तुझे। क्यों? कुछ जरूरी बात करनी है। मैं वहां क्यों जाऊं? जिसे बात करनी है वो यहां आ जाए। देख मुशर, तू मेरे पुत्र जैसा है, मेरा मशवरा मान, चल के उनकी बात सुन ले। सैलाब आए तो घर बैठ के इंतजार नहीं करते, दरिया पे जाकर
बंद बांधते हैं। और धियो बहनों वाला घर है, खैरी सलाह ब्याह का घर है, मेरा मशवरा मान, चल के उनसे बात कर ले। ठीक है चाचा, तू कहता है तो मैं चलता हूं, लेकिन सिर्फ तेरे कहने पे। ठीक है, शाबाश शाबाश बेटा। ओ चाचा सादिक, तेरे कहने पे मैं यहाँ पे आया था, बहुत टाइम हो गया है, मैं जा रहा हूँ। चल बैठ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी कह जो कहना है। सादिक ओ पुत्र, गल सुन ले, शाबाश बैठ जा, शाबाश। ओ चाचा मैं बैठने नहीं आया हूँ। ओ इतना नाराज क्यों होता है, तू तो यार था मेरा। रंगे काम की बात कर। अच्छा चल वो भी कर लेते हैं। कागज हैं उस जमीन के टोटे के जो तू हमारे नाम करेगा। ये जमीन मेरे बाप दादाओं की है, रोजी रोटी है हमारी। फ्री में नहीं मांग रहा, मुंह मांगे पैसे दूंगा इसके। नहीं रंगे, जमीन तो नहीं बेचूंगा। देख ले, सोच ले, आज की रात सोच ले, अगर देगा नहीं तो छीन लूंगा मैं। तो फिर छीन के दिखा, मैं भी देखता हूं किसमें इतनी हिम्मत है। साधक फिक्र ना करो साईं, सुबह तक मान जाएगा। कहते हैं मेहंदी का रंग गहरा होना तो सर का साईं बहुत मोहब्बत करने वाला होता है, सच? आय हाय, ये क्या कर रही है? देख रही हूं कि रंग कैसा चढ़ा है। ऐसे रज्जो, मैं तो कहती हूँ बीबी शादी से इनकार कर दे। क्या दिमाग खराब हो गया तेरा, मैं क्यों इनकार करूंगी? नहीं हो सकता है कि तुझे अशरफ अदा से ज्यादा प्यारा लड़का मिल जाए जो बिल्कुल शहजादों की तरह दिखता। क्यों, अशरफ में क्या कमी है? तूने देखा नहीं है? मैं कैसे देखूंगी, अभी तो निकाह भी नहीं हुआ। इसीलिए तूने हाँ कह दी। अच्छा तो अब मेरा दिल क्यों खट्टा कर रही है? आसिया क्यों तंग कर रही है इसे, दिन है आज इसका। दिल खट्टा नहीं कर रही, जो है वो बता रही हूं। कसम से सर पे बाल नहीं रह गए और मुझे इतनी लंबी, ऐसा लगता है जैसे जैसे सर के बाल उतार के मुझे बना ली हूं। इधर दे तू, छोड़ दे, खुद ही लगा लूंगी मैं मेहंदी। और तेरी शादी भी ना हम किसी बदसूरत कोजे से कराएंगे, देख लेना तू। एमी, मैं तो किसी खूबसूरत से शहजादे से शादी करूंगी, गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा, बिल्कुल भरजाई की कहानी के हीरो जैसा। और चल तू लगा। क्या हुआ माँ? पुत्र बाहर असलम आए, आधे खेता को कहीं आग ला देती है। इश्क़ावे
आज बड़ी देर कर दी आने में। कब से तैयार होके बैठी हूं तेरे लिए, देख तो ले। अच्छी नहीं लग रही। बहुत अच्छी लग रही। इतनी फिक्की तारीफ, कोई और सुहानी पसंद तो नहीं आ गई? मेरी जिंदगी में तेरे अलावा और कोई नहीं है, और मेरी क्या मजाल कि मैं तेरे अलावा किसी और को पसंद करूं। मर्दों का क्या भरोसा? मुझ पे भरोसा कर सकती है। मेरे को तो शक करने में मजा आता है। भरोसा तो बहाना है भूल जाने का। और शक, शक दूसरे की याद दिलाता रहता है। मुबशर, मुबशर, दरवाजा खोल पोत्र, जल्दी त्या। क्या हुआ माँ? पोत्र बाहर असलम आए, आधे खेतों को कहीं आग ला दीती है। या अल्लाह खैर। चाचा ये किसने किया है, तूने देखा है? औरंगजेब के हाथ में थे, वो मारा मुझे, फिर आग लगा दी। रंगे ने जुर्म किया है, उससे कहो कि अपनी गिरफ्तारी दे दे, वरना मैं उसके खिलाफ पर्चा कटवा दूंगा। कागजों में लिखा जाएगा चौधरी मुबशर ने हमला किया और अपना दिफा करते हुए औरंगजेब मजारी के हाथों कत्ल हो गया। इश्क़ावे